हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को मोरिंगा के फायदा बताने जा रहा हूं, जिसे हम सहजन के नाम से जानते हैं, कई जगह से मुनगा या मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से देख लीजिए, इसकी सब्जी काफी घरों में बना करके खाते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके पत्ते का फायदा बताने जा रहा हूं और इसके जो सब्जी होते हैं उसका भी खाने से क्या हमें हमारे शरीर में क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में आज आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जो ये मुनगा है ना, इसे हमने आप लोगों को पथरी की बीमारी ठीक करने वाला पहले भी एक वीडियो बना करके बता चुके हैं, जिसमें काफी लोगों को आराम मिला है। तो इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी हमें, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारियां छोटे छोटे वीडियो बना करके हम सभी को पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं, आते रहते हैं। तो जो ये मुनगा है ना, इसे हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो, इसे मोरिंगा के नाम से जानते हैं। टाइफाइड में सबसे पहले इसका प्रयोग होता है, जैसे कि इसके छाल को जल में घिस करके इसके दो बूंद को नाक में डाल देने से टाइफाइड के बुखार ठीक हो जाते हैं, या 20 ग्राम इसके ताजे जड़ों को 100 मिलीलीटर पानी में उबाले छान करके पिला देने से भी टाइफाइड की बीमारी ठीक हो जाती है। तो इसी प्रकार बहुत सारे इसका फायदा बताने वाला हूँ, 4 मिनट की वीडियो बनने वाली है। 4 मिनट के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको हमेशा काम आएगी, क्योंकि कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे, लेकिन जो जानकारी होती है हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। तो चलिए, इसका औषधि प्रयोग कुछ इस प्रकार से होते हैं, जान ले। वीडियो को कभी भी आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो इसका उपचार करना सिखाऊंगा, इससे मैं आप लोगों को प्राकृतिक उपचार बताना सिखाऊंगा, आपको बाद में चल करके काम आएंगे। अधूरे ज्ञान खतरनाक होती है, तो कुछ ज्ञान किसी लायक नहीं, इसलिए आप फिजूल की वीडियो देख देते हैं, ये तो अच्छी वीडियो है, यूजफुल वीडियो है। तो इसके जड़ का काढ़ा बना करके अगर मुखा कुल्ला किया जाए तो मुंह में आवाज बैठ गए हैं, स्वर भंग हो गए, तो परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके गोंद को पानी में घोल करके गरार करने से दांतों में दर्द हो रहे हैं तो दांतों में होने वाले दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर सांसों के रोग से आप परेशान हैं तो सहजन और अदरक के रस को बराबर मात्रा में मिला लें और 10 से 15 मिलीलीटर की मात्रा में रोज सुबह शाम सेवन करने से सांसों के रोग ठीक हो जाते हैं, जैसे कि सांसों का ऊपर नीचे होना, बहुत सारी समस्या हो सकती है सांसों संबंधी परेशानी में। इसके बाद मैं आप लोगों को पहले वाले वीडियो में भी पहले भी बता चुका हूं, इसके 5 ग्राम गोंद को रोज 7 दिनों तक दही के साथ खाने से पेशाब की समस्या में काफी लाभ मिलता है। इसके जड़ की छाल के 20 मिलीलीटर काढ़ा को दिन में 3 बार पिला देने से गुर्दे के पथरी चूर चूर होकर के निकल जाते हैं। जिन्हें पथरी की समस्या या प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये परिचित प्रयोग है, किया हुआ प्रयोग है। इसके जड़ के छाल को 20 मिलीलीटर काढ़ा बनाकर के पिलाने से पथरी टूट करके निकल जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर के निकल जाते हैं। अगर थोड़ा ज्यादा समस्या है पथरी की, थोड़ा देरी से काम करेंगे लेकिन पथरी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। सहजन की 8 से 10 फूलों को 250 मिलीलीटर दूध में उबाल लें, इसे सुबह शाम पीने से सारी कमजोरियां भी दूर हो जाती हैं। गठिया में अगर दर्द होते हैं तो इसके गोंद का लेप करने से गठिया के जो दर्द है वह ठीक हो जाते हैं। इसके पत्ते को तेल में, कोई भी तेल में मिला करके महीन पीस लें और गुनगुना करके लेप करने से घुटनों में, पुराना जो जोड़ों में दर्द हो रहे वहां पे लगा देने से दर्द ठीक हो जाते हैं। हाथी पांव है तो सहजन की जड़ को पीस करके गर्म करके लेप करने से हाथी पांव की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो ये थे कुछ इसके फायदे। एक और फायदा, चले वीडियो आखिरी करने से पहले बता दूं, लकवा में इसका प्रयोग होता है। सहजन के पके रस, सहजन के जो पके होते हैं ना, इसका जो फल कह सकते हैं एक प्रकार के, तो इसके रस 5 से 10 मिलीलीटर में मधुरस मिलाकर के सेवन करने से लकवा और मासिक धर्म में काफी आराम मिलता है। ठीक नहीं होता लेकिन काफी आराम मिलता है। कुत्ते काटने पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। सहजन के पत्ते, लहसुन, हल्दी, नमक और काली मिर्च को बराबर मात्रा में एक साथ पीसने से कुत्ते के काटे गए स्थान पर लगाने से सूजन कम हो जाती है और बुखार ठीक हो जाती है। या इस पेस्ट को 10 से 15 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से भी काफी लाभ मिलता है। वीडियो आखिरी करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा, जो सहजन की 100 ग्राम पत्तियां होती हैं, इसमें 10 गिलास दूध के बराबर कहा जाए तो दोस्तों इसमें कैल्शियम पाया जाता है। और आप सभी को पता है कि दूध से 1000 गुना ज्यादा ये आपको फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि दूध में आप 10 गिलास दूध पी रहे हैं उसमें कितना कैल्शियम मिल रहा है, और इसे केवल 100 ग्राम पत्ती में आपको 10 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम मिल रहा है। तो जिन लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में कट कट की आवाज आती है, तो इसके पत्ते को उबाल करके पीने से कैल्शियम की कमी के कारण जोड़ों में कट कट की आवाज आ रही है, बदनों में दर्द हो रही है, ग्रीस घिस चुका है घुटने के, वो ठीक हो जाते हैं, दर्द समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे छोटी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।